काट लीजिए कर। क्या है? मेरी बाइक ठोककर भाग गई। क्या सोचा छोड़ दूंगा तुम्हें? वो तुम्हारी बाइक थी? और नहीं तो क्या? लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। ऐसे भी कोई गाड़ी पार्क करता है क्या कि दूसरों की गाड़ियों को हिलने की जगह तक ना मिले? She's right. मैंने भी देखा था, तुमने बहुत गलत ढंग से अपनी बाइक पार्क कर रखी थी। और शिकायत किसलिए कर रहे हो तुम? तुम्हारी बाइक को कोई नुकसान हुआ है? नहीं ना, फिर यू जस्ट शट अप। मैं कह रहा हूं ना, नुकसान हुआ है मेरी बाइक का, और नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप। देखो तमीज से बात करो तुम। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया था ना मैंने, भूल गए? वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता, इसलिए तो पीछे पीछे आ रहा हूं। अरे हिम्मत है तो गाड़ी के बाहर निकल, मारा ना, अंदर क्या हीरो बनता है, चल। गाड़ी साइड में रोकना जरा। नो जगदीश, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेटर है, इन्हें तो बस झगड़ने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। लेट्स गो। अरे भाई, ये मैडम नई नई कार चलाना सीख रही है। अगर किसी को अपनी जान चाहिए हो तो स्टाइल ओवर हो जाओ भाई। अरे पता है ना, लड़कियों के हाथ अगर गाड़ी लग जाए तो दो चार को ठिकाने लगा कर ही मानेगी। अभी अभी मेरी बाइक का कचरा किया इसने। अरे भाई, अरे बच्चे बच्चे, क्या करें जगदीश, ये लोग तो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, और अगर हम गाड़ी रोकेंगे तो लड़ने आ जाएंगे। तो आगे सिग्नल है, वो रेड होने वाला है। हाँ, लेकिन उससे क्या होगा? Just wait and watch. दादी साहब, आ गए हो हमारा नंद किशोर स्कूल से? मिठाई किस लिए दादी साहब? ये पहले हमारे पास बैठ कर मिठाई तो खा। क्या सुन, दारू बहुत मन होवे ना कि संग खेलने के लिए एक छोटो सो भाई या छोटी सी बहन मिल जावे। बेबी माँ ने सुन ली थारी बात। हाँ, थारी माँ थारे लिए छोटो सो भाई या छोटी सी बहन लाने वाली। सच्ची दादी साहब? और ना तो क्या झूठ। मैंने कहा था माँ से एक छोटा भाई ले आना मेरे लिए, बहन भी चलेंगी, और माँ मान गई। अरे वाह, मैं अभी आया। ये बात अभी किसी को मत बताना, जब तक मैं ना बोलूं बताने को। लेकिन क्यों दादी साहब? अरे अब बोल दी मैंने, अब ऐसे सवाल जवाब मत किया कर, जा। मन्नू को भी नहीं बताऊं, उसको बताने जा रहा था, कितना खुश हो जाएगा वो। हाँ मन्नू को बता दे, पर उससे भी कह दीजिए किसी को ना बतावे। जा, जा। मन्नू, मन्नू। कौन सा किसी को बताने वाला है? मन्नू, हमारे साथ खेल ले। बहन है भाई ये तो नहीं मालूम, लेकिन दोनों में से कोई एक तो आएगा ही। फिर हम जब क्रिकेट खेलेंगे ना, तो मैं बैटिंग करूंगा, तू बॉलिंग करना, उसको अंपायर बना देंगे, कितना मजा आएगा ना। मैं कितना लक्की हूँ ना, पहले एकदम अकेला था, फिर तू आ गया मेरा दोस्त और भाई बन के। अब हमारा नया दोस्त भी आ जाएगा, है ना आनंद? ये तो बहुत खुशी की बात है ना। अब टाइसा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तुम्हारे लिए वही साथी लेकर आ रही है ना, तो बस अब उनको एकदम परेशान न करना। वैसे मैंने पता है कि हमारा नंदू तो बहुत होशियार है, बहुत सयाना है, अपनी माँ का खूब ख्याल रखेगा, है ना? हाँ जीजी, आप फिक्र मत करो, मैं माँ को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, वो जो बोलेंगी मानूंगा, खूब ध्यान रखूंगा उनका, रात को सोने से पहले पाँव भी दबा दूंगा उनके। शाबाश। मैं बेकार में ही नंदू की चिंता कर रही थी। मेरा बेटा तो सच में बहुत बड़ा और समझदार हो गया है,
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमने कहा ना, हमारी कार तुम्हारी बाइक को छूकर निकल गई थी, बस। कोई डैमेज तो हुआ नहीं है, तो फिर तमाशा किस बात का है? अरे तमाशा नहीं, हम तो पोस्टल सर्विस कर रहे हैं। तुम लोगों को सावधान कर रहे हैं कि भैया जरा लेडी ड्राइवर से बच के चलो। क्यों, लड़कियां ड्राइव करे तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? शक्ल से, कपड़ों से तुम शहर के लगते हो, फिर इस तरह बात क्यों कर रहे हो कि आज से पहले तुमने कभी किसी औरत को ड्राइव करते हुए देखा नहीं है? अगर तुम्हारे घर में, अरे तुम्हारी माँ हो, बहन हो, ड्राइव करना चाहे तो उनका कैसी तरह मजाक उड़ाओगे तुम? कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? औरत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन तुम वहीं के वहीं अटके हुए हो। अरे पाठन बंद कर ले तो। मैं चाहूँ तो तुम्हारी भाषा में तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझा सकता हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मुझे गुंडागर्दी पसंद नहीं है, शराफत से काम लेना पसंद करता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, दोस्त मेरे रास्ता भटक गए थे, समझा दिया मैंने ठीक से। चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से। देखो तुम्हारे पीछे कितनी गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हुई हैं। हाँ जी। चलो आउट। चले, तुम बैठो, मैं ड्राइव करता हूँ, ठीक है? बैठो। ये ना, ये मैं तेरे लिए लाया हूं। ये सब आप लाए हैं? तो और कौन लाएगा? नहीं, मेरा मतलब है कि किस लिए? अरे वो ऐसी हालत में ये सब खाने का मन करता है ना, तो इसलिए। मैं तुझे बता नहीं सकता आज कितनी बड़ी खुशी दी है तूने मुझे। Are you okay? Yeah, more than okay. Thanks, Jagdish. आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए I can never thank you. जी, तुम्हें थैंक्स कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और मैंने वही कहा जिस पर बिलीव करता हूँ मैं। किसी भी लड़की, किसी भी औरत के साथ अन्याय होते हुए देख मैं चुप नहीं रह सकता। पता नहीं लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं, औरत को इतना इंफीरियर समझते हैं, समझते हैं कि औरत तो बस घर का काम संभालने के लिए होती है, कुएं के मेंढक होते हैं। कभी बाहर निकले, आंखें खोलकर बाहर देखें तो अपने आसपास देखेंगे कि आज की औरत मर्दों से कहीं आगे निकल चुकी है इन एवरी फील्ड आई मस्ट से। अरे ताईसा, थे रसोई में क्यों आई? पानी मैं ले आती ना। थे बैठो ना माजी सा काकी सा के साथ, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। ना बाबा, पहले ही पेट में इतनी आग सी लगी हुई है, इसलिए तो ठंडा पानी पी रही हूँ। अरे ये ठंडा पानी पीने से ना बस सांस भर के लिए आराम मिलेगा, ये जलन भगाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक नुस्खा है। गंगा, ये क्या कर रही हूँ? फिर रुको ना, बस हो गया। ये लो ताईसा, ये अजवाइन और नमक का चूरन है, इससे ना जलन एकदम से छू हो जाएगी। अच्छा? हाँ, थे अभी एक चुटकी ले लो। जब मनु था ना हमारे पेट में, मैंने भी ऐसी शिकायत होती थी, तब रतन सिंह की माँ ने मैंने ये नुस्खा बताया था। और ताईसा, मैं तो 8वें महीने तक सारा कामकाज करती थी, वैसे बैठे रह जाने से ना
जापे में बड़ी तकलीफ हो गया थे, बस चलते फिरते रहना, देखना तकलीफ एकदम कम हो जाएगी। और काम काज तो मैं सब संभाल लूंगी, है ना? ये सब बातें तो इतने सारे लोगों ने इतनी बार मुझे बताई है कि अब तो नींद में उठकर भी दोहरा सकती हूँ। अच्छा लगता है जब सब ध्यान रखते हैं, परवाह करते हैं, प्यार करते हैं। बहुत गौर से लिखा होगा मेरा भाग लिखने वाले ने। पर गंगा, ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? मेरे सासरे वालों की कृपा। हमारे बीमार पड़ने पर तो एक गिलास पानी तक न पूछा कभी उन्होंने, लेकिन अपने पोते का मुंह देखने के लिए इतने तरस गए थे। तुम्हारे से ज्यादा हमारे कोख के चौकीदार हमारे सासरे वाले बन गए। पेट से हुई तब से लेकर मनु के जन्म तक बहुत ध्यान रखा मेरा उन्होंने, और अब मैं उससे भी ज्यादा ध्यान रखूंगी आपका। हाँ, डॉक्टर साहब की सलाह मानकर बच्चा होने तक ना ताईसा, मैं आपकी नर्स बन जाऊंगी, सिस्टर जी। सांची अभी तक कॉलेज से नहीं आई, उसने आपको फोन किया क्या? मेरे और सांची के बीच में बातचीत सिर्फ उसकी पॉकेट मनी को लेकर होती है और कुछ नहीं। मॉम, पापा, जरा देखिए कौन आया है। अरे गेस तो कीजिए। भाई कमाल हो गया, आज जयसर उदयपुर में कैसे पधार गया? नमस्ते। नमस्ते। जीतरे जीतरे बेटा। बैठो बैठो। What a pleasant surprise, है? वो मेरी एक मेडिकल की एग्जीबिशन है, और संयोग की बात यह है कि वो एग्जीबिशन सांची कॉलेज में ही है, तो वहीं इनसे मुलाकात हो गई। अच्छा वाला कोइंसिडेंस था, अगर मैं आज टकराई ना होती इनसे तो ये तो बिना बताए जयसर वापस चले जाते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर मैंने तोहफे नहीं दिए होते तो मुझे जयसर वाले वापस रवाना कर देते, वो भी पैदल, ये तोहफे देने के लिए। ये काफी कुछ है भाई, मुझे नहीं पता था कि पूरा उदयपुर तुम्हारा रिश्तेदार है। दद्दू, मैंने भी यही बात बोली थी। हमारे तो हमारा उदयपुर आप ही है, तो बस यूं समझ लीजिए कि पूरे उदयपुर से ही रिश्ता है। दादी साहब और बाकी सब ने ये तोहफे भेजे हैं। माँ ने ये कुछ ड्राई नाश्ता बनाया है, वैसे तो सब आनंदी की पसंद का है लेकिन आप सबके लिए भी है। और मुझे लगता है कि ये सारा नाश्ता मुझे ही खत्म करना पड़ेगा। वैसे ड्राई नाश्ता है तो आनंदी के वापस आने तक खराब तो नहीं होगा, लेकिन फ्रेश खाने का मजा ही और है। लेकिन आनंदी के लिए बचा के रखेंगे। भाई तुमने थोड़ी देर कर दी आने में, कल दोपहर तक भी आ जाते ना तो पर्सनली ये उसे दे सकते। क्यों, आनंदी कहां गई? सांची बेटा तुमने बताया नहीं कि शिव और आनंदी हमारे उदयपुर के लव बर्ड्स हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गए हैं, नहीं बताया? और जो कि बहुत दिनों से ड्यू पड़ा था, शिव ने तो आनंदी को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, आनंदी को तो लास्ट मोमेंट तक नहीं मालूम। वो एक्चुअली मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब आए हो तो कुछ दिन तो रुकना पड़ेगा, अभी दो दिन तक एग्जीबिशन है तो
यही हूँ। वैसे तुम ठहरे कहाँ हो? और जहाँ भी ठहरे हो वहाँ से सीधा यहाँ शिफ्ट हो जाओ, ठीक है? छोटी मॉम, ये होटल में ठहरे। मैंने भी इनसे यही कहा था, लेकिन शायद इन्हें हमारा घर पसंद नहीं आया, इसीलिए यहाँ आने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। नहीं साची, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेरा एग्जीबिशन सेंटर है वो होटल के पास में ही है, इसलिए ठीक है। सोखे सोखे भाई, भाई जिस काम के लिए आए हो पहले वो काम करना जरूरी है। अब फिर कौन सा दूसरे देश से आए हो कि फिर नहीं आओगे? लेकिन एक बात पक्की है, उदयपुर से जाने की परमिशन हम तुम्हें तब तक नहीं देंगे जब तक तुम हमें अच्छे से अपनी मेहमान नवाजी करने का मौका नहीं दोगे। भाई तब तक मैं जरा ये जैसर की हॉस्पिटैलिटी चख लूं। आहा, खुशबू तो बहुत बढ़िया भाई। क्या बॉल है, वाह, 10 में से 10 नंबर। तुम लोग बिल्कुल सही थे, ये आनंदी को खाना बनाने का हुनर अपनी माँ से विरासत में मिला है। भाई जादू है जादू। भले ही अपने आप से भी झूठ बोलता रहा मैं, पर सच तो यह है कि मैं खुद भी आनंदी से मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि कैसी है वो। पर अब रिश्ते टूट भी जाएं, तब भी मिलने की उत्सुकता सदा बनी रहती है। स्नेह के बंधन की जड़ें बहुत गहरी होती हैं।